अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम यासिन खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यासिन ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान के जो बोर्ड्स थे, उन्होंने मिलकर इम्तिहानात के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक नई जो है वो पॉलिसी बनाई है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और किसी भी बच्चे के जो इम्तिहानात हैं वो नहीं हो सके, चाहे वो 9th में था, 10th में था। हाँ, लॉकडाउन से पहले जिनके इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके थे, उनके इम्तिहानात सिर्फ जो है वो हुए थे, और जो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे घरों में थे और इम्तिहानात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान थे। तो अब गवर्नमेंट और तमाम बोर्ड्स ने जो है मिलकर एक नई इम्तिहान के हवाले से पॉलिसी की है, जिनकी सप्ली है और जो पास थे, इन सारों के लिए अलग-अलग उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल जो है ये चीज़ शेयर करूँगा कि भाई किस तरह से आपको प्रमोट किया जाएगा और क्या कुछ होगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो बात स्टार्ट करते हैं इम्तिहानात की। अभी ताज़ा जो अपडेट आई है उसके मुताबिक फ्रेंड्स, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान भर के तमाम बोर्ड, चाहे वो मुल्तान बोर्ड है, चाहे लाहौर बोर्ड है, कराची बोर्ड है, जो भी पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड जो हैं वो कायम हैं, उन सब ने मिलकर इक्तसादी कमेटी ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि अब तमाम स्टूडेंट्स के इम्तिहानात नहीं होंगे, चाहे नहम क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे दहम यानी मैट्रिक के हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इनमें से चारों जो ये क्लासेस हैं ये मेन क्लासेस होती हैं, आपको पता है। बाकी जो इम्तिहान आते हैं पहली से आठवीं तक, वो तो स्कूल वाले ना भी लें तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये मेन इम्तिहान आते होते हैं। और यहाँ पर हर बच्चा चाहता है कि यार मैं आगे आऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, पायलट बनूँ, ऑफिसर बनूँ, और वो ये सब करने के लिए हमें नंबर चाहिए होते हैं। और एक बहुत बड़ा जो है वो मैदान होता है और उसमें हज़ारों जो नौजवान हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स, वो अपना अपना लोहा जो है वो मनवाते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ऐलान ये किया है कि अब हम इम्तिहानात जो हैं वो नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है नौजवानों को, स्टूडेंट्स को वैसे ही प्रमोट कर देंगे अगली क्लास में। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक न्यूज़ है जहाँ पर जो है, पहले मैं ये हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात होंगे या नहीं, फैसला हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि जी 9वीं से 12वीं तक इम्तिहानात नहीं होंगे, पिछले नतायज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई, नीचे इसकी मुकम्मल डिटेल्स हैं, ARY की ये खबर है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है कि भाई प्रमोट किस तरह से करेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो 10th में उसकी सप्ली है और फर्स्ट ईयर में भी वो पढ़ रहा है, उसने सोचा था कि मैंने जो है वो मैं इम्तिहान दे दूंगा और मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा और मैं उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर भी साथ साथ करता रहूँगा। लेकिन अब उसका जो है 10th का भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया और साथ में जो है वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहा है, अब उसके लिए काफ़ी परेशानी है। इसी तरह अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में उसकी सप्ली है, लेकिन वो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है कि भाई मैं साथ में सप्ली भी दे दूंगा और सेकंड ईयर भी कर लूँगा, तो अब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी, जो हमारे टॉपर थे जिन्होंने बोर्ड को टॉप किया था मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में उन्होंने अभी टॉप करना था, तो अब वो बेचारे परेशान हैं कि भाई हमारा क्या बनेगा, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और हमारे इम्तिहानात ही नहीं हो रहे, तो हम किस तरह से जो है आगे जा पाएंगे या हम दोबारा पहले की तरह जो है वो बोर्ड को टॉप कर पाएंगे। तो अब ये उनका एक ख्वाब बन चुका है। अब यहाँ पर जो है एक सादा सी पॉलिसी बोर्ड ने जो है और गवर्नमेंट ने बनाई है, वो ये बनाई है कि भाई अगर आपने मिसाल के तौर पर मैट्रिक में 1050 नंबर 1100 में से ले लिए हैं, तो अब आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका जो रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का आएगा, मिसाल के तौर पर जो पिछला मैट्रिक का रिज़ल्ट था वो आपका है 96%, एक मिसाल के तौर पर, तो आपको जो फर्स्ट ईयर में नंबर गवर्नमेंट फराहम करेगी मेरे भाई, वो भी 96% ही होंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो सप्ली वाले हजरात हैं उनके लिए यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है कि अगर उनकी पहले सप्ली आई है तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको सप्ली दे दी जाए, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है रियायत दे दे और उनको रियायती तौर पर पास कर दे, लेकिन जो नंबर्स मिलेंगे वो पिछला जो हिसाब है, जो साबका रिज़ल्ट है उसके मुताबिक ही उनको जो है
वो नंबर्स दिए जाएंगे और इस तरह जो है उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि भाई उनकी वो एक किताब की जो सप्ली है वहाँ पर मैथ की सप्ली थी, तो हो सकता है कि टेंथ में भी उसको बिठा कर, मतलब या फर्स्ट ईयर में बिठा कर वही मैथ की सप्ली दे दी जाए। लेकिन जो टॉपर्स हैं उनका रिजल्ट, जो पिछला रिजल्ट आया 90% 99%, जिस तरह का आपका मैट्रिक का रिजल्ट था फर्स्ट ईयर में वैसा रिजल्ट आएगा, और अगर फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट था तो वो भी वैसे ही आएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि इसके ऊपर जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है इसके ऊपर आप अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।